हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 सोयल के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कीवर्ड है क्लेई, यानी कि क्लेई सोयल। पार्टिकल्स ऑफ क्लेई सोयल आर वेरी स्मॉल इन साइज, यानी कि जो क्लेई सोयल होती है स्टूडेंट्स, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। दिस मेक्स द पार्टिकल्स ऑफ क्लेई सोयल पैक्ड टाइटली, और क्लेई सोयल टाइटली पैक्ड होती है। देयर इज वेरी लिटिल स्पेस अमंग द पार्टिकल्स, यानी कि क्लेई सोयल के पार्टिकल्स में बहुत कम स्पेस होता है क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होते हैं। वाटर डज नॉट ड्रेन क्विकली थ्रू क्लेई सोयल बिकॉज ऑफ लेस स्पेस अमंग पार्टिकल्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि क्लेई सोयल में से पानी जल्दी ड्रेन नहीं होता, पानी जल्दी नहीं निकलता। क्लेई सोयल पानी को होल्ड करके रखती है। सो क्लेई सोयल इज नॉट वेल एरेटेड एंड रिटेन्स मोर वाटर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि क्लेई सोयल में ज्यादा हवा नहीं होती, लेकिन क्लेई सोयल में पानी ज्यादा होता है क्योंकि क्लेई सोयल पानी को होल्ड करके रख सकती है। रिटेन मतलब होल्ड करके रखना। अब हम सेकेंड कीवर्ड देखेंगे। सेकेंड कीवर्ड है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज द लेयर ऑफ टॉप सॉयल दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ह्यूमस टॉप सॉयल की लेयर होती है जो कि न्यूट्रिएंट्स से भरी होती है। इट इज डार्क इन कलर, इसका कलर डार्क होता है। द डीकम्पोजर्स कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स इंटू ह्यूमस दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स के डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स डीकम्पोजर्स के द्वारा ह्यूमस में चेंज किए जाते हैं, और यही ह्यूमस फिर प्लांट्स के द्वारा यूज की जाती है। अब हम थर्ड कीवर्ड देखेंगे। थर्ड कीवर्ड है लोमी, यानी कि लोमी सोयल। द बेस्ट टॉप सोयल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोमी सोयल, यानी कि प्लांट्स उगाने के लिए जो बेस्ट टॉप सोयल होती है स्टूडेंट्स, वो लोमी सोयल होती है। लोमी सोयल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड क्ले एंड सिल्ट। लोमी सोयल मिक्सचर होता है सैंड क्ले एंड सिल्ट का। द लोमी सोयल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट, यानी कि लोमी सोयल में ह्यूमस होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि लोमी सोयल बिल्कुल राइट क्वांटिटी में वाटर को होल्ड करके रखती है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। यानी कि लोमी सोयल में ना तो जरूरत से ज्यादा पानी होता है ना कम पानी होता है, बिल्कुल करेक्ट क्वांटिटी में पानी होता है। अब हम फोर्थ कीवर्ड देखेंगे। फोर्थ कीवर्ड है परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ द सोयल टू एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड परकोलेशन, यानी कि किसी सोयल की वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम परकोलेशन कहते हैं। परकोलेशन के साथ ही हमने आपको परकोलेशन रेट के बारे में भी समझाया स्टूडेंट्स। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल हैव डिफरेंट परकोलेशन रेट्स, यानी कि डिफरेंट सोयल्स का परकोलेशन रेट भी डिफरेंट होता है। अब हम आपको डिटेल में समझाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक सैंडी सोयल और एक क्लेई सोयल। अगर आप सैंडी सोयल के ऊपर पानी डालते हैं तो सैंडी सोयल बहुत तेजी से पानी को एब्जॉर्ब करती है और पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ चला जाता है, और सैंडी सोयल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि सैंडी सोयल का जो परकोलेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि सैंडी सोयल पे अगर पानी डाला जाए तो वो तेजी से नीचे चला जाता है। और अब हम एग्जांपल लेते हैं क्लेई सोयल का। अगर आप क्लेई सोयल के ऊपर पानी डालते हैं तो क्लेई सोयल धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करती है और पानी को होल्ड करके रखती है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लेई सोयल होती है इसका परकोलेशन रेट कम होता है क्योंकि इसमें पानी धीरे धीरे नीचे जाता है। तो परकोलेशन का मतलब है किसी सोयल की वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, और परकोलेशन रेट का मतलब है कि कोई सोयल कितनी तेजी से पानी को एब्जॉर्ब करती है या कितना स्लोली पानी को एब्जॉर्ब करती है। अब हम फिफ्थ कीवर्ड देखेंगे। फिफ्थ कीवर्ड है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मॉइस्चर एयर में भी होता है और मॉइस्चर सोयल में भी होता है। अब क्योंकि हम सोयल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर जो मॉइस्चर की डेफिनेशन देंगे वो सोयल के अकॉर्डिंग होगी। अमाउंट ऑफ वाटर
प्रेजेंट इन सोयल इज कॉल्ड मॉइस्चर प्रेजेंट इन सोयल, यानी कि सोयल में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे ही हम मॉइस्चर प्रेजेंट इन सोयल कहते हैं। यानी कि अगर किसी सोयल में ज़्यादा पानी है तो हम कहेंगे उस सोयल में मॉइस्चर ज़्यादा है, और किसी सोयल में पानी कम है तो हम कहेंगे कि उस सोयल में मॉइस्चर कम है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन क्ले सोयल इज हाइएस्ट एंड इन सैंडी सोयल इज लोएस्ट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि क्ले सोयल में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है और सैंडी सोयल में सबसे कम मॉइस्चर होता है। अब हम सिक्स्थ कीवर्ड देखेंगे। सिक्स्थ कीवर्ड है सैंडी, यानी कि सैंडी सोयल। पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सोयल आर लार्जर इन साइज, यानी कि सैंडी सोयल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि सैंडी सोयल के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते तो उनके बीच में काफ़ी खाली जगह होती है। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, और ये जो खाली जगह होती है सैंडी सोयल के पार्टिकल्स के बीच में, इनमें हवा भरी होती है। वाटर ड्रेन्स क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, और सैंडी सोयल के जो पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी खाली जगह होती है, तो अगर सैंडी सोयल के ऊपर पानी डाला जाए तो वो पानी तेज़ी से ड्रेन हो जाता है, यानी कि तेज़ी से नीचे की तरफ चला जाता है। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो सैंडी सोयल होती है ये पानी को होल्ड करके नहीं रख पाती है। सो सैंडी सोयल इज कॉल्ड लाइट वेल एरेटेड एंड ड्राई। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि सैंडी सोयल हल्की होती है, हवा से भरी होती है और ड्राई होती है, यानी कि सूखी होती है। अब हम सेवेंथ कीवर्ड देखेंगे। सेवेंथ कीवर्ड है वाटर रिटेंशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रिटेंशन का मतलब होता है होल्ड करके रखना। वाटर रिटेंशन मीन्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इसका मतलब यह है कि किसी सॉइल की जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उसे ही हम वाटर रिटेंशन कहते हैं। डिफरेंट सॉइल हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि अलग अलग सॉइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। यानी कि कोई सॉइल कम पानी होल्ड करती है तो कोई सॉइल ज़्यादा पानी होल्ड करती है। सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर, वेयर एज क्ले सॉइल कैन होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि सैंडी सोयल ज़्यादा पानी होल्ड करके नहीं रख सकती है, जबकि क्ले सोयल ज़्यादा पानी होल्ड करके रख सकती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।